अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम किचन। कैसे हैं आप लोग? सब होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ज़बरदस्त से गाजर के हलवे को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, इससे हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सकेगी। शुक्रिया। तो जी यहाँ पर सबसे पहले हम गाजरों को जो है वॉश करके पील कर लिया है, कद्दूकश कर लेंगे। इसके लिए मैं प्रोसेसर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको वो जो कद्दूकश करने वाला होता है उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 किलो गाजर लिए हैं और उससे मैंने गाजरों को अच्छी तरीके से कद्दूकश कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके के ये गाजर बहुत आसानी के साथ प्रोसेसर में भी हो जाते हैं। तो आप लोग के पास अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसमें भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर हमने जितने भी गाजरें जो है वो कद्दूकश करके रखी हुई थी वो इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि तुम बड़ा पैन ले लेती, तो नहीं जी, इसके अंदर बहुत आसानी के साथ गाजरें जो है सारी आ जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता ये गाजरें जिस जिस तरीके से भुनती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता ये बैठता जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए इतना पैन जो है वो बहुत है। अच्छा, यहाँ पर आपने फ्लेम आपकी मर्ज़ी, आप तेज़ फ्लेम पर करना चाहते हैं तो तेज़ फ्लेम पर कर लें, और यहाँ पर मैंने जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम रखी हुई है, ठीक है? क्योंकि मैं इसके अंदर किसी किस्म का दूध इस्तेमाल नहीं करी, इसको मैं इसी के पानी में, इसका जो पानी रिलीज़ होता है उसमें और चीनी का जो पानी रिलीज़ होगा उसमें ही मैं गाजरों को कुक करूँगी, ठीक है? यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इसकी भुनाई करते रहेंगे, गाजर अपना पानी छोड़ता रहेगा, इसी में हमारी गाजर जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगी। अब आप देखिएगा यहाँ पर देखें, भुनाई करते हुए तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, गाजरें नीचे बैठ चुकी हैं, इसका पानी निकलना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर मैंने 1.5 कप जो है वो चीनी ले ली थी, पूरी पूरी 1.5 कप है, आपकी मर्ज़ी है। आप चीनी यानी कि मीठा जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस तरीके का आप लोग पसंद करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी शामिल कर दी है, चीनी का अपना पानी निकलेगा, उसमें भी गाजरें हमारी आराम से सॉफ्ट हो जाएंगी। अब आपने इसको कंटिन्यूसली पकाते रहना है, पकाते रहना है, जब तक हमने पकाना जब तक इसका पानी जो है वो कंप्लीट ड्राई नहीं हो जाता। अब देखें कितना पानी निकला है, ये देखिएगा गाजरों का और चीनी का, इसी में ये बहुत अच्छे से कुक हो गई थी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा नीचे झुका के भी दिखा रही हूँ कि ये इतना ज़्यादा पानी निकला है। फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने इलायचियाँ ले ली थी, 6-7 इलायचियाँ ले ली थी, उसको के जो सीड्स थे वो अलग करके उसको पीस लिया था और इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है और कवर करने के बाद ये बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं, ये देखिएगा। अब यहाँ पर मैंने 1/2 कप जो है यहाँ पर घी शामिल कर दिया है, यहाँ पर आप जो है वो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई होने की तरफ आ चुका है, तो मैंने इसके अंदर घी शामिल कर दिया है, इसको अगेन कवर करेंगे और कवर करके अब इसको मैंने मज़ीद 10 मिनट के लिए कुक किया है। अब यहाँ पर मैंने बादाम जो है वो बॉयल करके कट कर लिए थे, बादाम और पिस्ते मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। साथ ही साथ 1/2 कप यहाँ पर मैंने खोया ले लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत डिलीशियस सा ये गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया था। आपने जिस तरह के बाहर हलवाई जो गाजर का हलवा बनाते हैं उनकी खासियत यही होती है कि ये जब हम कुक कर रहे थे उस वक्त भी ये खोया जो है इसके अंदर शामिल करते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको डिश आउट कर दिया है, अब 1/2 कप मज़ीद इसके ऊपर मैं खोया डाल दूँगी।
हिला देंगे इसको चारों तरफ। साथ ही साथ बचे हुए बादाम और पिस्ते से इसको गार्निश करेंगे। इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। तो यहाँ देखें ज़बरदस्त सा हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। आप इसको गरम गरम इंजॉय कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ जो दूध वगैरह से बनाया जाता है गाजर का हलवा उसमें टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग सिखाया है। तो उम्मीद है मुझे कि आज की रेसिपी आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आप लोग रेसिपी ट्राई करके मुझे पिक्चर सेंड करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पर कर सकते हैं। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।